सो हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो गाइस, काफी दिनों के बाद आज एक बार फिर से तुम्हारा भाई आ चुका है गेम में, और फिर आज तुम्हारा भाई एक बार फिर से चैलेंज करने वाला है गन चैलेंज, बोले तो M4A1 गन चैलेंज। सो गाइस, आज अपन लोग यार M4A1 गन चैलेंज करेंगे भाई बैटल रॉयल ग्राउंड में, और फिर बरमूडा मोड रहेगा वो। सो गाइस, अपन लोग देखते हैं अपन लोग M4A1 गन चैलेंज में मतलब अपन लोग कितना किल करते हैं, और फिर अपन लोग लास्ट में बोया कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो यार स्क्रीन पे यार, मतलब बोले तो यार अपना कोई मतलब डाउनलोड पैक नहीं है, मतलब सारा कुछ को डाउनलोड करना पड़ता है। मेरे को जितना जरूरत होता है ना मैच में, उतना मेरे को डाउनलोड करना पड़ता है। सो गाइस, अपना मैप तो रेडी है, लाइक बोले तो अपन लोग स्टार्ट भी कर चुके हैं, अपन लोग मैच का लॉबी में भी आ रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जान भी सकते हो यार, अभी फ्री फायर में इवेंट चल रहा है यार, बोले तो ईवो गन इवेंट चल रहा है। अभी काफ़ी दो ईवो गन है ना, एक फहामज और फिर एक M4A1। तो आज मैंने सोचा यार, मेरे को तो फहामज पसंद नहीं है उतना, तो आज मैंने सोचा यार चलो यार तुम्हारा भाई कुछ स्पेशल ले ही आए यार, बोले तो M4A1 गन चैलेंज। हालांकि मेरे पास ईवो गन नहीं है M4A1 का, और मेरे को चाहिए भी नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास ना ईवो गन बहुत सारा है। सो मेरे ख्याल से ये गन मेरे को काफ़ी उतना खास भी नहीं लग रहा, क्योंकि यार ये ड्रैको का मतलब AK-47 ना, उसका सेम कॉपी है, बस इसका कलर अलग है, उसका कलर अलग है। सो दोनों का सेम है, तो भाई लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। उससे अच्छा भाई मेरे पास जो भी M4A1 का स्किन है ना, वो काफ़ी तगड़ा वाला यार, इससे भाई डैमेज की बात किया जाए भाई, तो अगर अपग्रेडिंग चिप इसमें 3 लग गया ना, फिर तो गाइस मतलब नेक्स्ट लेवल ये गन हो जाती है। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं अभी अपन लोग उतर रहे हैं भाई, और बाजू में मेरे बाजू में दो बंदे उतर रहे हैं। सो अभी देखते हैं मेरे को जल्दी से भाई M4A1 मिलता है फिर नहीं मिलता। ये देखो स्कार मिल गया, ओ भाई मतलब जल्दी से M4A1 निकल जाए ना भाई। सो आज ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आज ईवो गन का चैलेंज भी कर सकते हैं, बोले तो भाई M4A1 मेरे पास तो ईवो अभी है नहीं, बट उसका ईवो आ चुका है, जो कि भाई मैंने अपने एक सब्सक्राइबर्स का आईडी में निकाला था। तो ऐसा बोल सकते हैं ईवो गन चैलेंज भी अपन लोग आज बोल सकते हैं यार, क्योंकि मेरे को AK-47 एक रखना है और फिर एक M4A1। अगर दो मेरे को मिल गया ना M4A1, तो भाई मैं दो M4A1 चलाऊंगा, और अगर नहीं मिला फिर तो भाई अपने पास एक AK-47 और एक M4A1 रहेगा, जो कि भाई जिसका अपग्रेडिंग हम लोग भाई कैसे भी मतलब टोकन्स मिले या ना मिले, अपने को भाई चिप मिले या ना मिले, मेरे को अपग्रेड करना है। सो गाइस, देख सकते हैं अपने को मिल चुका M4A1 भाई, अभी मेरे को चिप का जरूरत है यार। इसको 3 चिप मिल गया ना, तो भाई काफ़ी तगड़ा ये गन चलेगी, क्योंकि भाई M4A1 की बात किया जाए ना, तो भाई इसमें अगर 3 चिप लग गया ना अपग्रेडिंग चिप, फिर तो भाई इसका जो फायरिंग होता है ना, इतना स्मूथ चलेगा ना भाई, इतना स्मूथ चलेगा ना, सोच नहीं सकते गाइज। सामने के साइड एक ये देखो, ये एक चिप भी मिल गया, मतलब ऐसा बोलते हैं ना जब अपने को जरूरत होती है ना गाइज, उस टाइम मिल जाती है यार, पता नहीं क्यों, मतलब भगवान मेरा सुनते हैं या फिर फ्री फायर वाला लोग मेरा सुनता है, मेरे को दे देता है। सो चलो कोई बात नहीं यार, अपने पास दो गन आ चुका है, बोले तो एक AK-47 मैक्स देख सकते हो यार। और ये तुम्हें कुछ पता, ओ भाई साहब सामने के साइड बंदा, ओ भाई इसको मारो पहले, ओ भाई खत्म। सो गाइस, तुम लोग को यार सिमिलर कुछ दिख रहा होगा, अगर आपने यार एक क्या बोलते हैं ना भाई M4A1 का देखो, मतलब लेवल 7 तक का उसका मैक्स लेवल देखो, और फिर AK-47 का मैक्स देखो, दोनों का मतलब सेम है भाई, एकदम सेम, डिट्टो बाय डिट्टो सेम दे दिया है। बस दोनों का क्या है ना डिफरेंस, दोनों का सिर्फ कलर में, उसका रेड है तो इसका ब्लू है। सो चलो कोई बात नहीं यार, अभी अपन लोग गेम की ओर आते हैं गाइस, और अभी भाई इधर बंदा नहीं है भाई, तो इसको स्किप करते थोड़ा सा। सो फाइनली गाइस, थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया, क्योंकि भाई कोई मेरे को बंदा दिख नहीं रहा था, और फिर बंदा नहीं दिखे भाई, फिर तो भाई वीडियो प्ले करने से कोई फायदा ही नहीं है। और फिर भाई मैंने जब अपन लोग ना जब अपन लोग स्किप किए थे ना, उसके बाद मेरे को भाई 3 चिप मिला, मतलब एक चिप पहले से था, 2 मैंने टोकन से खरीदा, और फिर मेरे को एक और M4A1 मिल चुका है, जो कि भाई खुद में काफ़ी बहुत ही तगड़ा वाला गन होने वाला है गाइस। तो अभी देखो यार सामने के साइड कोई बंदा है फिर नहीं, ये सामने के साइड बंदा है क्या गाइस, ये सामने साइड बंदा, रुक जाओ अभी यहीं पे उतर के ना इसको भाई दिमाग से मारते गाइस। ये देखो मतलब मेरे पास अपग्रेडिंग है भाई, अपग्रेड गन है भाई M4A1 का भाई, ये बंदा, वो भाई साहब हेडशॉट लगा। ये देखो ये ग्लू बॉल भाई मेरे, ये हैकर है क्या भाई, मतलब ग्लू बॉल के आर पार, मतलब क्या सी नहीं ये भाई साहब देख रहे हो, मतलब भाई ग्लू बॉल के आर पार इधर आ गया भाई डायरेक्ट से। अगर मेरा अगर 3 चिप नहीं लगा हुआ था ना गाइस ये गन में, तो भाई मैं तो यहीं पे खलास हो जाता, क्योंकि भाई M4A1 ये गन है ना, इसका मतलब सही से फायरिंग नहीं होता, हेडशॉट जल्दी नहीं जाता, लेकिन अगर 3 चिप अपग्रेडेड कर दोगे ना, फिर तो भाई हेडशॉट का बाप हो जाता है ये गन भाई। सो चलो कोई बात नहीं यार, इधर के साइड एक बंदा मर चुका, और फिर अभी कोई बंदा मेरे को दिख नहीं रहा है, तो अपन लोग यार एक और फिर से वीडियो को करते हैं स्किप गाइज।
सो फाइनली गाइस अपन लोग आ चुके हैं वीडियो को स्किप करने के बाद गाइस, और पीछे के साइड भाई एक व्हीकल से कोई एक बंदा जा रहा है। ये देखो ये भाग गया। ये भाई कोई बात नहीं है, इसको भागने दो ना, ये किधर भाग के किधर जाएगा गाइस, जिधर भी जाएगा ना उधर से अपन लोग इसको मारने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई भाई बोले तो हीरोइक में, और हीरोइक का ऐसे थोड़ी ना बेइज्जती करवाएगा, तो टेंशन नहीं लो तुम। ओ भाई पीछे से पड़ी भाई, मतलब जब भी बोलो ना तुम्हारा भाई हीरोइक में, तो भाई पीछे से कोई ना कोई मार ही देता है यार, क्या सीन है। मतलब हीरोइक वालों को पीछे से ही मारते हो क्या, कभी सामने से मार के दिखाओ गाइस। तो चलो कोई बात नहीं यार, ऐसा वैसा तो होता रहता है, बट सामने की साइड इधर बंदा है ना, ये बंदा किधर, उधर ही है फिर देखना। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ये बॉल लगाने के बाद ना ये भाग गया होगा, क्योंकि ऐसा सोच रहा होगा ना कि भाई कोई, मतलब दिमाग लगाता है ना कुछ लोग, तो जानबूझ के ऐसा दिमाग लगाता है भाई एक बॉल लगाओ, बंदा बॉल के पीछे बिजी हो जाए और हम इधर साइड से कल्टी मार ले, क्योंकि भाई जोन भी काफ़ी तगड़ा चल रहा था, उसको डैमेज भी मिल चुका था। और मेरे को ये देखो नहीं है ना, देखा ना, मेरे को ऐसा लग रहा था गाइज कि मतलब बॉल लगाने के बाद ना वो भाग गया हो, क्योंकि उसके वो डैमेज मिला था, और फिर आई थिंक उसके पास अगर नहीं होगा ना भाई के कैरेक्टर, तब तो बेचारा रो रहा होगा फिर यार, फिर तो ज़रूर भागा होगा वो, क्योंकि के कैरेक्टर एक होता है ना कि भाई जोन में भी है ना, तो अपने पास एपी है, उसको एचपी में कन्वर्ट कर लेंगे, बट नहीं होगा तो भाई बेचारा रो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई इतना जानता बूझता है, बट इधर कोई बंदा नहीं, थोड़ा सा स्किप और। सो फाइनली भाई थोड़ा सा स्किप, एकदम बोले ना तो 10 सेकंड का स्किप करा मैंने, क्योंकि यार वहाँ पे कोई बंदा था नहीं। सो चलो कोई बात नहीं यार, अभी अपन लोग का स्किप नहीं करेंगे। सामने की साइड ये बंदा दिख रहा है भाई, ये मेरे से ख्याल से ना जब से मैच स्टार्ट हुआ ना तब से ये खड़ा है भाई, ये लो। मतलब ऐसा क्यों, अगर इसको छोड़ देते ना तो शायद इसका बोया भी हो सकता था, तो इसी कारण से भाई इसको मार दो और फिर अपना मतलब बोया अपने नाम करने का कोशिश करो गाइस। तो कोई बात नहीं यार, अगर कोई बंदा ऐसा दिखे ना मैच में कि भाई मतलब मैच स्टार्ट हुआ वो ऐसा जगह आके खड़ा हो ना कि भाई उसको कोई मार नहीं रहा है, लेकिन भाई जोन भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, मतलब जोन भी उसके पास नहीं जा रहा है, तो गाइस उसको मार लो, क्योंकि भाई ऐसा किस्मत होता है ना कभी कभी। मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ था कि गाइस मतलब मैंने नहीं मारा ना एक बंदा को, गाइस वो लास्ट में ना उसको बोया मिल गया, मतलब वो खड़ा था, वो मतलब कुछ खेल नहीं रहा था फिर भी उसको बोया। सो भाई ऐसा बैड लक हो जाता है ना कभी कभी, तो इसी कारण से भाई बंदे को मार दो यार, छोड़ने वालों में से नहीं सोचो भाई। राइट साइड में बंदा भाई, इधर बंदा ग्लोबल लगा हुआ है वो भाई, मतलब दो बंदे का फाइट चल रहा था मेरे ऐसा ख्याल से इधर, बट चलो कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई है ना सब। ओ भाई भाई पीछे से अटैक, अरे मैया भाई पीछे से अटैक करता भाई, रुको इसको हीट शॉट। ओ भाई देखा ना इसको वन टैप बोलते गाइस, वन टैप। तो तुम्हारा भाई काफ़ी वन टैप मारने लगा आजकल, तो अभी देखते भाई क्या सीन होता है यार। इधर कोई बंदा मेरे को नहीं दिख रहा भाई, तीन बंदा और लाइव। ओ भाई सामने एक साइड ही बंदा, भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये बंदा मेरे को दिखा नहीं था अचानक से इधर कैसे, मतलब कुछ ये 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 अभी इधर आ गया भाई, ये क्या सीन कर रहा है। ये ना वन टैप मारने का कोशिश कर रहा है, इसके पास SBD गन है और वन टैप, ये देखो वन टैप मारने का पूरा कोशिश कर रहा, बट भाई इसको हेड नहीं दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी मौका दूंगा तो भाई ये मेरे को वन टैप मार देगा, बट मैं ऐसा मौका भी नहीं दूंगा गाइस, क्योंकि यार मतलब बोल सकते हो ना। ये देखो भाई अब तो ये नेड करने लगा भाई, चलो कोई बात नहीं यार, इसको देखते यार यहाँ पे क्या सीन होता है। यहाँ से ना मेरे को पहले बच के निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रह गया ना तो पहले तो इसके पास साइलेंसर है, साइलेंसर लगने के बाद ऑटोमेटिक फायर भी बहुत अच्छा हो जाता है, फायर होने के बाद भाई मतलब हेडशॉट ही हेडशॉट लगता है। तो चलो कोई बात नहीं यार, अभी इधर से निकलते हैं, और फिर आवाज़ भी नहीं आता ना जब साइलेंसर लगता है। तो चलो अभी देखते भाई यहाँ से भागो रे भाई साहब, वन टैप। ओ भाई ये क्या, मतलब SBD से वन टैप मार दिया यार, क्या सीन है यार। मतलब अभी बोया करने वाले थे हम यार, मतलब क्या सीन हो गया गाइज। चलो कोई बात नहीं यार, सो फाइनली गाइज वीडियो को करते यहीं पे एंड, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके गाइज उतना शेयर करो वीडियो गाइज, ताकि तुम्हारा भाई को भाई थोड़ा सा अच्छा लगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना ऐसे।